आज दिनांक 14/6/18 त्रिलोक गिर मंदिर गोला के परिसर में 5 पेड़ नीम के लगाए गए। पेड़ों को लगाते समय माननीय डॉक्टर प्रीति साथिया फाउंडेशन संस्था, श्री मनोज जायसवाल जी, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री नवनीत कुमार पांडे, श्री आशीष पांडे, श्री चंद्र प्रकाश मौर्य, श्री मकरंद सिंह एडवोकेट एनसीपी जिलाध्यक्ष लखीमपुर खीरी, श्री वीरू अग्निहोत्री, श्री ओपी गुप्ता संगठन मंत्री बाथम बैस महासभा गोला, श्री चंद्रिका प्रसाद जो यहाँ के कार्यकर्ता, श्री पुष्पेंद्र सिंह, आप सभी के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण कराया गया। आपने वृक्षारोपण किया, नीम के पेड़ों का वृक्षारोपण, नीम के बारे में इतनी इसकी बातें हैं इसमें कि लाखों मर्जों की एक दवा नीम। मैं सर्वप्रथम पुष्पेंद्र सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नीम के बारे में आप कुछ बताएं। नीम के बारे में जहां तक जानते हैं आप कि नीम अभी बताया कि 100 मर्जों की एक दवा, मुझे लगता है नीम आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, नीम के पेड़ गायब होते जा रहे हैं हमारे। आज किसी को कोई बीमारी होती तो उसकी पत्तियों से लेकर उसकी जड़ तक सब इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन फिर भी लगाना पसंद नहीं करते। सिर्फ नीम ही नहीं, बाकी वृक्ष भी गायब हो रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों ने आज नीम को पेटेंट करवा लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि नीम से बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आज हम सबको थोड़ा बहुत जागरूक होना पड़ेगा, नीम नहीं बल्कि बाकी पेड़ों को भी आगे लगाना पड़ेगा, तभी हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ दे पाएंगे। कहने के लिए हम आज पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन वो किसी के काम का नहीं। आज जब जल खत्म हो रहा है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो हम बचेगा क्या देने के लिए? तो बहुत जरूरी है वृक्ष लगाए जाएं जिसमें नीम को वरीयता दी जाए। श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, जैसा कि विद्युत है, पेड़ सभी प्रकार के अच्छे होते हैं लेकिन सर्वगुण संपन्न नीम पे, जिससे औषधि तैयार होती है, हर प्रकार की मर्जों की दवा होती है। नीम के पेड़ों को अत्यधिक लगाया जाए, हमारे राजेंद्र अग्निहोत्री एडवोकेट साहब इसलिए बधाई के पात्र हैं। इनकी सारी टीम को हमारे मोहल्ले लोगरी मंदिर की ओर से हार्दिक बधाई। श्री नवनीत कुमार पांडे, आज त्रिलोकगिरी मंदिर के प्रांगण में माननीय प्रदेश संयोजक प्रीति जी और हमारे अग्निहोत्री जी के करकमलों के द्वारा ये 5 नीम के वृक्ष जिसके नीचे अभी हम खड़े हुए हैं, तो यह पेड़ हम लोगों की पारदर्शिता या प्रत्यक्ष करता है कि हमारे गुरु जी कहते थे कि गारंटी है, यदि किसी के टीवी होने वाली है अगर वो हमको 1 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले ज्ञात करके बता दे तो मैं गारंटी से उसका इलाज इसी पेड़ के द्वारा करूँगा। किसी के फोड़ा फुंसी है तो उसका इलाज इसी के द्वारा होगा। तो आदि ये ब्लड, सर्वप्रथम तो इसमें ये गुण जो आता है वो ब्लड प्यूरीफायर का होता है, यानी कि खून के जितने भी विकार होते हैं उन सभी विकारों को नष्ट करके आपका ब्लड इस प्रकार से प्यूरीफायर करता है, जिस प्रकार से इस समय पानी को लोग फिल्टर करने के लिए अपने घर में फिल्टर लगवाते हैं। तो भाई हमारा सभी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है और जो भी इस बात को सुनता हो और जो भी सुने, तो वो अगर ना लगवा पाए, ना पेड़ मंगवा पाए, तो हम लोगों को बुलाए, हम लोग लगवाएंगे, लेकिन जगह बताए और नीम का बहुत से बहुत ज़रूरी ख्याल रखें। श्री आशीष पांडे जी, आज त्रिलोकगिरी मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में मैं अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी एक सार्थक मुहिम में लगे हुए हैं वृक्षारोपण की। और नीम का जहाँ तक है कि नीम बहुत ही उपयोगी और औषधि गुणों से भरपूर वृक्ष है, जिसका आदिकाल से दवाइयों में, औषधियों में, होम्योपैथिक चिकित्सा में यूज होता आया है। और नीम का केवल मैं तो एक शब्द में कहूँगा कि बीमारियों का काल है नीम। और ये जो अच्छी एक मुहिम है, इस
इसमें सभी को भागीदार होना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षों को लगाकर हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। श्री ओपी गुप्ता, मैं सर्वप्रथम श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी एडवोकेट और उनके साथ में श्री मकरंद एडवोकेट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इस जुझारू कार्यक्रम को देख करके सीख करके कुछ लोगों को और इसमें जुड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। अलग नीम के पेड़ के बारे में ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर व्यक्ति जानता है कि नीम में कितने तत्व पाए जाते हैं। बस मैं सिर्फ आप लोगों को इस बाइट के जरिए ये अवगत कराना चाहता हूँ, कृपया इस कार्यक्रम में सहयोग करें और यदि वृक्षारोपण में सहयोग नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जहाँ जहाँ छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, कृपया उनको अपने माध्यम से एक लोटा जल अर्पित करें। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। हमारे बीच त्रिलोकगिर मंदिर में हनुमान मंदिर भी है, आप यहाँ के पुजारी हैं, आपसे निवेदन है कि आपके यहाँ 5 पेड़ नीम के लगाए गए, नीम के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नीम एक ऐसा पेड़ है जो सर्वप्रथम आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे माँ के जो है प्रतीक है। दूसरी बात, ये सर्व औषधि गुण है। लुकमान वैद्य जितने भी वैद्य सभी ने इसकी प्रशंसा की है और सब औषधियों में सबसे श्रेष्ठ है। हर मर्ज की दवा। श्री मकरंद सिंह एडवोकेट। माननीय राजेंद्र अग्निहोत्री जी के द्वारा 1000 नीम के पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है, जो बराबर हर बृहस्पतिवार को 5 पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। नीम एक ऐसा औषधीय वृक्ष है जो हमारे पूर्वजों ने इसको पूजनीय सिर्फ इसलिए नहीं कहा है, इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो जड़ से तना और फल फूल तक औषधि हमें देते हैं। ये पूजनीय ही नहीं, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण पौधा है। मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष व्यक्ति को लगाने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि नीम एक ऐसा वृक्ष है जो हमें ऑक्सीजन 100% शुद्ध करके देता है। श्री चंद्रिका प्रसाद, आप यहाँ के कर्मचारी हैं, सेवक हैं, यहाँ पे मैं 15 साल से रह रहा हूँ और हमारा केवल यही विचार है कि ये पर्यावरण और ये हमारा बहुत अच्छा बना रहे। नीम का पेड़ लगा के माननीय वकील साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया है और उसकी देख रेख जहाँ तक हमसे हो सकेगी हम करते रहेंगे और प्रयास यही रहेगा। इनको पानी देना, चलाना हमारी जिम्मेदारी। बाबा जी से निवेदन करेंगे कुछ दूसरा नीम के बारे में बता रहे तुझे। नीम जो है, नीम हम लोगों के हिंदू धर्म में जो है देवी का पूजन होता है और इसलिए बहुत ही पूर्णदायक है और पूजनीय पेड़ है। इस पेड़ को लगाने से ठंडी हवा मिलती है और कुछ शांति मिलती है। श्री चंद्र प्रकाश, हम सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हर व्यक्ति को एक नीम का पेड़ लगाना चाहिए। यही हमारा। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रीति जी से, जो साथिया फाउंडेशन संस्था की अध्यक्ष चेयरपर्सन है। मेरे निवेदन पर आप आईं, वृक्षारोपण में आप शामिल हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि नीम के बारे में आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले राजेंद्र अग्निहोत्री जी को
इस मुहिम चलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो भी व्यक्ति इस मुहिम में शामिल है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज इस मुहिम में मुझे शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप अपने आप को बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरा क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि हर व्यक्ति पेड़ लगाए। इनकी मुहिम की खासियत है ये पेड़ लगाते तो लगाते ही हैं, साथ में पेड़ों को बचाने का भी काम करते हैं। जब तक कि वो ढंग से मजबूत नहीं हो जाता है तब तक ये उसको पानी देते हैं, और लोगों से जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें बचाएं। ये बहुत अच्छी मुहिम है, सभी को इसमें साथ आना चाहिए। अभी हम कुछ लोग जो हैं वो इस मुहिम में शामिल हुए हैं, सभी से मेरी अपेक्षा है कि वो लोग आएँ और शामिल हों, क्योंकि नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसका हर चीज़ उपयोगी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक बार जब मुझे चेचक हुआ था तो मेरे आसपास पूरी नीम की ही पत्तियाँ रखी गई थी, नीम की चीज़ें ही लगाई जाती थी, जो छाल होती थी उसको घिस के लगाई जाती थी, तो मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई थी। ये पेड़ लगाकर आप पर्यावरण को तो शुद्ध कर ही रहे हैं, साथ साथ में लोगों को भी स्वस्थ होने का एक नया मौका दे रहे हैं। इसके लिए सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आज के वृक्षारोपण में माननीय हमारे अतिथिगण सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया। आशा करते हैं कि भविष्य में भी वृक्षारोपण में आप सभी लोग सहयोग करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।